तो दोस्तों रशिया बनने से पहले सोवियत यूनियन के जमाने में सोवियत यूनियन कई तरीके की इनोवेटिव हथियारों को डेवलप करने के लिए भी पहचाना जाता था चाहे वो फ्लाइंग टैंक हो या फिर उड़ने वाले सबमरीन हो पर सोवियत यूनियन टूटने के बाद ये सिलसिला जहाँ पे एक तरफ खत्म होने जा रहा था तो वही पे रशिया के रूबिन डिजाइन ब्यूरो के तरफ से इस पुराने परंपरा को अभी भी पकड़ के रखने का एक प्रयास चलाया जा रहा है रिपोर्ट के मुताबिक रशिया के रूबिन डिजाइन ब्यूरो जो की रशिया के लिए सबमरीनों का निर्माण करता है उसके तरफ से दूसरे बार की तरह एक ऐसे एक ऐसे कॉन्सेप्ट को पेश किया गया जो की सबमरीन और पेट्रोल बोर्ड के इतिहास को ही बदल देगा और रिपोर्ट के मुताबिक ये कॉन्सेप्ट हैविली आर्म्ड सबमर्सेबल पेट्रोल शिप मतलब एक ऐसे जहाज जो सबमरीन के तरह समुन्दर के नीचे भी डुबकी लगा सकेगा रिपोर्ट में बताया जा रहा है की रूबिन डिजाइन ब्यूरो की तरफ ऐसी पेश किया गया दूसरा ऐसा मोडिफाइड डिजाइन है जिसे सेंट्रिनल पेट्रोल शिप कहा जा रहा है सेंट्रिनल शिप असल में एक ऐसा डिजाइन है जिसमें सबमरीन और पेट्रोल शिप दोनों का ही एडवांटेज है इवन इस तरीके के डिजाइन के वजह से इसमें बड़े और भारी भर हथियारों को भी तैनात करना संभव होगा रिपोर्ट में बताया जा रहा है की इसमें एक स्मॉल कैरिवर के ऑटोमेटिक गन दो मिसाइल लॉन्चर और चार तीन मिलीमीटर के टॉर्पेडो ट्यूब होगा और बताया जा रहा है की ये जो लेटेस्ट मोडिफिकेशन शिफ्ट का डिजाइन रुविन डिजाइन ब्यूरो के तरफ से पेश किया गया यह असल में आकार में करीबन बहत्तर मीटर लंबा और वजन में करीबन 1300 टन वजन का हो सकता है और कंपनी का अब दावा है कि थोड़ा आकार में बड़ा करने की वजह से अब ये जो जहाज है ये अधिक हथियारों को भी कैरी कर सकेगा और साथ में बड़े आकार के मिशनों के साथ कई तरीके के मिशनों को भी अंजाम देने में समर्थ होगा नए डिजाइन में जहाज को काफी हद तक स्टेल्थी भी बनाया गया है और इसमें कुछ ऐसे डिजाइन का तब्दीली भी लाया गया है जो जहाज के स्पीड को भी बढ़ा सकता है रिपोर्ट के मुताबिक जहाज के रफ्तार को करीबन इक्कीस नॉट तक रखने के लिए इसमें नए प्रोपल्सन सिस्टम और इंजिनों के भी इस्तेमाल का बात कहा जा रहा है जबकि दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है की मोडिफाइड वर्जन में दो एयर टाइट मल्टीपरपोज हैंगर को भी निर्माण किया जाएगा जो बोट्स और अन्य हथियारों को एकोमोडेट कर सकेगा इवन इस तरीके के बोट को लेकर भी बताया जा रहा है की बड़े आकार के गन बोट होगा जो पेट्रोल मिशन या फिर कह तो अन्य तरीके के मिशन को अंजाम देने में समर्थ होगा इसमें और सोनार एंटना दोनों का ही इस्तेमाल किया जाएगा जो दूर से ही कई तरीके के को देखने में समर्थ होगा रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि इस तरीके के जहाज में या फिर कहे तो सबमरीन में एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी भी होगा और क्रू को सबमरीन और एंटी सबमरीन दोनों तरीके के ही ट्रेनिंग दिया जाएगा इवन इसके अलावा बताया यह भी जा रहा है की ये लंबे दूरी तक मिशनों को भी अंजाम देने में समर्थ होगा क्यूँकी जहाज का रे करीब करीब चार हजार किलोमीटर तक हो सकता है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जय हिंद